बहुत अगर आपका यार ये परिंदा कोई भी अब ये सुकड़े में आ जाता है इस तरीके से, ये भाई का परिंदा अभी लेके आया भाई, ये हड्डी में आ गया इस तरीके से, सही है ना। ये जो है अब ये बीमारी होती है एक ना, सही है, या पेट की आती है बीमारी इनके अंदर, उससे जो है अब ये जिगर जो होता है इनका अंदर का जो होता है ना, सही है, अब ये काम करना जो है बंद कर देता है वो, उसकी वजह से अब ये सूख जाता है परिंदा। तो इसके लिए ये दवा जो है ना ये बेस्ट है। नाम लिखिएगा, ये दवा इसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक है। इसके अलावा आप अगर जैसे अब ये देते हैं कोई और चीज़ देते हैं तो वो नुकसान दे के उसके ऊपर वो चली जाती है ना वो, सही है। ये इस टाइम के ऊपर ये चल रहा है सुकड़ा ही, तो कितना टाइम लेता है वैसे, ये कितना टाइम में इंशाल्लाह ये बेहतर कर देगा बॉडी को? ये तकरीबन आप 6 दिन आप अगर ये देंगे, जैसे कि ये वाला बर्थडे मेरा बर्थडे है, सही है, ठीक है, ये आया था सुकड़े के अंदर आया था, सही, ये तकरीबन ये 2 दिन दिया है मैंने, 2 दिन माशाल्लाह सुकड़ा, हाँ ये मैंने 2 दिन दिया। अब आप ये पोटे पे हाथ लगाओ, कितना दाना है इसके पोटे में माशाल्लाह, ये दाना है इसके, हाथ लगाओ इसके, गाय दाना, खाना पीना शुरू कर दिया इसने, हड्डी आएगी इस पे, ये यहाँ हाथ लगाओ पोटे पे, हाथ लगाओ, दाना है इसके यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे नहीं है, अब इसके हाथ लगाओ यहाँ पे, ये दाना है जी, दाना है इसमें, ये दाना खाएगी क्यों, क्योंकि अब तकरीबन ये जो है ये नहीं, अब ये 2 दिन दिया था मैंने सीरप इसको, ये उसके अंदर माशाल्लाह से ये देख सकते हैं फर्क कितना पड़ गया है, सही है। अच्छा इसको आपको ये देना ऐसे है, देखिए आपको जो है ये दवा जो पिलानी है, देखिए ये वाली साइड से पिलानी है आपको, इधर वाली से, जूम करिए बेटा, ये तकरीबन अब ये सीधे हाथ से, क्यों, ये खाने की नाली होती है यहाँ पे, ये सांस की नाली होती है उल्टे हाथ पे, आप अगर उल्टे हाथ से आप अगर जैसे कि अब ये पिलाते हैं दवा, तो इसमें आपका जो परिंदा है वो एक्सपायर हो सकता है, क्यों, ये दवा जो है वो सांस की उसमें चली जाए, जैसे कि नाली में चली जाएगी, नाली के अंदर चली जाएगी दवा, ये आप ये जो है, तो ये क्या पिलाए, इधर से पिलाए इसको, दवा राइट हैंड से पिलाए इसको, हाँ राइट हैंड से आप इसको ये दवा पिलाए, इस तरीके से आपने लिया थोड़ा, ये देखिए ये गई अंदर, बस इतनी दवा इसके लिए ना बोल, ये देखे ये इस तरीके से ये पीड़ी है ना, क्यों, क्योंकि हमने इसको ये जो पिलाया है इधर से पिलाया है ना, इस साइड से पिलाया है, राइट हैंड से पिलाया, राइट हैंड से, सही है, ये खाने की नाली है इसकी इधर, तो ये आराम से खा रही है, अगर हम इसको दवा पिला देंगे ना इधर से पिला देंगे, ये सांस के अंदर फट जाएगी, तकलीफ देगी फिर उसको, हाँ नाली में फट जाएगी सांस की, तो नहीं नहीं एक्सपायर हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी आपके, तो इस जगह से इसको दे, और अगर कोई सुखड़े में आ जाता है इसका एक दो, यानी कि ये है कि तो अगर स्पीड में सही करना है जल्दी आप, ये दवा, ये दवा बेस्ट, नोवेडोर बेस्ट है। अगर ये और भी है हमारे पास, यानी कि एक दो और चीज़ें हैं, लेकिन उससे थोड़ा उसमें सही होता है, देर में सही, थोड़ा टाइम लेगा, ये टाइम लेता है, थोड़ा पास ली है ये, ज़रा स्पीड में सही कर देगा, बस इस तरीके से। अब ये सेटअप वाले जो है हमारे, जो है अगर कोई सुकड़े में मामला आ जाता है, किसी में आ जाता है, तो वो ये दवा चलाए। पर मैं ब्रीड के रास्ते में आता ही, अगर सूखा हो फीमेल, सूखे में नहीं, अभी नहीं करेगी ब्रीड, अभी नहीं करेगी, नहीं अभी नहीं करेगी, तकरीबन अभी इसका थोड़ा मामला रहेगा थोड़ा आगे तक, सही है। अब जब ये यानी कि 2 माह से 3 हाँ 2 महीने लाजमी लगेगा, सही तो हो जाएगी आपका जो ना, बहुत मारेगी 20 दिन में इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला ये भर जाएगा पूरा जिस्म इसका, लेकिन आप इसको जो है इसको उसके भी बाद जो है अकेले रखिएगा, जोड़ में नहीं डालिएगा, जोड़ में नहीं डालना, अगर यानी के जो है जो भी दाना, एक दाना हो रहा है आपका, अब ये डालते भी है जोड़ में, तो उसके साथ जो है अगर जो भी यानी के मटकी लगाई हुई है, बॉक्स लगाया हुआ है, वो डाल, मतलब मटकी हटा दें, फिर इसको इंशाल्लाह थोड़ा फायदा करेगा, क्रॉसिंग ना, मैटिंग ना करे, बस मैटिंग ना करे, तो ये ना अगर इसने यानी कि मैटिंग करी तो ये दोबारा चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं, साथ के पियर को तोड़ भी सकते हैं, मगर आप अपग्रेड कर दो, हाँ ये ऐसा आप जैसे कि तो ये कर ले, पियर को हटा दो, आपके क्रॉसिंग ना करे, तो ये हो सकता है कि आपके पास कोई एक दाना पड़ा हुआ है, जैसे कि अब ये भाई के पास एक दाना ये वाला है, तो ये अब ये दाना भाई क्या लगा देना, जोड़ में लगा दे किसी, अब ये 2 महीने जो हमारा इसके ऊपर जो इंतजार रहेगा, इससे अच्छा ये दाना किसी और के साथ लगेगा, तो ब्रीड आ जाएगी, इसको अकेला बस। अच्छा ये आपका कहाँ छोड़ा?